चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं पूरा एक साल हूँ लेकिन नेगू डाल ले हमारा पेमिट नहीं आता। देना नहीं चाहते इसी लाके उनका था गर्मी निकाल दूंगा। 5-5, 6-6 लाख एक किसान का गन्ना के पेमिट पड़ा है। समस्या इतनी गहरी होती जा रही है कि अब मामला आर पार पे। CCA में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये जिला गन्ना सहकारी यहाँ सोसाइटी इसको बोलते हैं, जहाँ पर पिछले 11 दिनों से किसान यहाँ अपने गन्ने के भुगतान को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसानों से जानेंगे कि अभी तक गन्ने भुगतान को लेकर क्या उनकी बातचीत हुई है शासन प्रशासन से, या कितनी दिक्कतें गन्ना भुगतान ना होने की वजह से किसानों को आ रही है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है। जी अनिल जी, प्रधान जी, जिला शामली में किस तरह की स्थिति है किसानों की अभी भुगतान को लेकर, उस भुगतान से क्या समस्याएँ पैदा हो रही है किसानों? भुगतान से समस्याएँ तो इतनी है कि हमें इतनी परेशानियों में गुजरना पड़ रहा है। हमारे बच्चे भी, अपनी पारिवारिक स्थिति चलाने के लिए भी हमें जो परेशानियां ज़िंदगी में कभी नहीं अब जा रही है। हमारा एक मात्र साधन है वो गन्ना, इसे हम मील में डाल दें। पूरे एक साल में हमें पेमिट नहीं मिलता और उसके ना के हम यहाँ रो रहे जा रहे और यही हमारे बस का है, धरना प्रदर्शन कर रहे। हम नू कह रहे हमारे गन्ना नहीं तेरे बस का है, हमारा पेमिट दे दे, अपनी जुकर भी करे, आगे हमारे सेंटर है किसी दूसरे मिलू कर। मैं पूरा एक साल हूँ लेकिन गन्ने को डाल ले हमारा पेमिट नहीं आता। बाबा जी, क्या नाम? इशाक सिंह है जी। क्या स्थिति है अभी क्षेत्र में किसानों की? बहुत बुरी स्थिति है जी। साल भर का गन्ना गिरा था, वही पैसा नहीं मिला। अच इसी मारू पढ़े बस जाकर तू फीस नहीं मिल रही, बिजली वाले बिल वे काट दें, कनेक्शन जाएगा कि उनका जी पैसा नहीं जाता, तो काटेंगे। हमें यहाँ से पैसा नहीं मिलता, हम तो यही प्रार्थना करें एक बार हमारा पैसा दे दो, हमने गन्ना गिरा। हम लोग कहें हमें आश्वासन दे दो भाई, हमें महीने दो, हमने भी नहीं कहता भी दे दो, हमें महीना दो महीने को टाइम तो दो, इस पर पूरा भुगतान हो जाएगा। जो लेकिन दो जिम्मेदार, जिसकी कलम में दम हो या जिसके हाथ में दम हो, वही तो देगा। कर्मचारी को वेतन की क्या विचार गए जी? क्या समस्या किसानों को आ रही है अभी? पेमेंट की है जी। और पेमेंट से क्या समस्याएं पैदा होती है? घर की जीविका चलाओगे जी, चल नहीं रही, कतई भीख मंगे बना दे, भीख नहीं मांग रहे पर हक मांग रहे। बिल्कुल। इस पे आपको क्या कारण नजर आ रहा है कि भुगतान इतना देर तक हो गया? हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है, सरकार ने भी कहा था 14 दिन में। कोर्ट है, गवर्नमेंट की भी और मिल मालिकों की भी, देना नहीं चाहते इसी इलाके को। कहा था गर्मी निकाल दूंगा, वो गर्मी निकला लग रही। शामली मिल में भुगतान की समस्या लगातार बनी रहती है, तो आज धरना चल रहा है पिछले 11 दिनों से, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कारण नजर आ रहा है आपको? देखो जी, हमें ये कारण आ रहा है कि ये जो सरकार है और यहाँ के जो नुमाइंदे बैठे हैं जी, जो हमारे DCO साहब हैं और जिला अधिकारी महोदय हैं, वे इस विषय में कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। और उन्होंने जो है, हमने बार बार 11 दिन से हम एक ही बात का निवेदन इनसे कर रहे हैं कि किसान भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है, लेकिन जो हमारे DM साहब हैं वे शुगर मिल में रहते हैं और मिल मालिकों के दबाव में आके उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लगातार जनता से झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं इन पर तत्काल कार्रवाई करूंगा। ये कहते कहते 2 DM बदल चुके हैं और ये जो अभी DM आए हैं ये भी इन्हों कह रहे हैं कि अगला सत्र चालू होने से पहले आप भुगतान कर दियो। अभी मिल मालिक ये कह रहे हैं कि हम आपका भुगतान अप्रैल मई तक कर देंगे सारा, तो हमें इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। क्या मिल के पास जो गन्ना लेती है मिल और किसानों का जो भुगतान है, बहुत सारी चीजें बनती है मिल में, तो क्या पैसा नहीं है शुगर मिल के पास? क्या नहीं है कैसे पता? इसका कारण क्या नजर आ रहा है? आज रक्षाबंधन है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमारा पेमेंट दे दे तो हम अपनी बहनों को उपहार में पता नहीं क्या गिफ्ट दे, आगे जन्माष्टमी आ रही उसके लिए पैसा नहीं है, क्या हम कैसे मनाए अपने त्योहार भी। अच्छा जी भाई साहब, क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र भाई, क्यों भुगतान की समस्या बार बार जिला शामली में आ रही है किसानों के सामने? भाई इन मिल मालिक की ये है, ये करे सब काम कर रहे हैं, ये इनकी मनमर्जी चल रही। लेकिन ये तो कहते थे कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। कोई नहीं भुगतान, कोई भुगतान नहीं है, कोई भुगतान नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से सारे वो गन्ना बोवे, जो गन्ना बोलो वो गन्ना बोलो, हमारी उसमें भी तसी हुई, उसकी दवाई का पूरा नहीं पड़ता, इतने वे हमें वे करने पड़े, वो कभी स्प्रे वो करो, कभी ढिगड़ा करो, अब भी मजदूरों का पैसा जाता, फिर आगे गेड़ा फिर स्प्रे कर ली, सब इनकी सब मर्जी चल रही। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो वो चौधरी साहब ने कहा जा
आंधी पीछे कुत्ते खावे, यहाँ तो सब वो धंधा है। क्या नाम भाई आपका? विनय कुमार। विनय भाई, शामली जिले में ही ये स्थिति है या बाकी शुगर मिलों पे भी इस तरह की स्थिति है किसानों के साथ है? शामली जिले में 3 मिल है जी, ऊन थाना भवन शामली मिल है। शामली मिल इनमें सरमा चोर हो रहा जी, वो गन्ना तो ले ले पैसे देने का उसका काम नहीं। 2022 का पैसा आया, 23 का नहीं है, 22 का भी रह रहा, 22 का भी रह रहा। हमारी सेहत तो ऐसे गरीब लोग का तो है नरमी, आराम से बैठे धरने पे बात कह रहे, सुना रहे, प्रशासन को सुन ली या नहीं सुन ली, अनदेखी कर रहे या नहीं कर रहे। जा कल से या परसों से हम उन्हें जो अधिकारी है सोसाइटी या गन्ना विभाग के, हम उन्हें खींच के यहाँ लेवोगे, फिर मिल मालिक को लेवोगे यहाँ, और फिर हम बदतमीज पड़े पे उतरा कि 11 दिन तो लिए हमारे नरम आई गए, तो अभी तक दो दिन और बाढ़ देखा गए, फिर तीसरे चौथे दिन हम भी इन्हीं की डाल बेशर्मी और बदतमीजी पे आ गए। 5-5, 6-6 लाख एक किसान का गन्ना के पेमिट पड़ा है, अरे दे नहीं रहे, हम मांग के क्रेडिट कार्ड पकड़वा के ब्याज दे रहे, हमारा ब्याज बढ़ नहीं रहा। यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं बाबा जयपाल सिंह जी, उनकी कैसी स्थिति है? उनकी उनकी कोई सुध ली शासन प्रशासन ने? नहीं ले रहे, कोई सुध नहीं ले रहे। जो यहाँ इसके लोक दल के विधायक है वे तो उनके पास जा लिए, पता ले लिए, जो अन्य यहाँ किसान थे वे भी जाके पता लिया है, सरकारी अस्पताल में है, वहाँ नहर में है, पर करनाल रोड पर। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कुछ हो गया? कोई नहीं ले रहा, ले नहीं रहा, ना कोई प्रशासन का नुमाइंदा आ रहा है। कहीं पर जीएम वो डीएम साहब जो है ये यही मील में रहते हैं, शुगर फैक्ट्री में डीएम साहब भी यहाँ तक नहीं आ रहे, ना उचित समझ रहे जाना किसानों के बीच में। अगर प्रशासन सही तरीके से इस बात को नहीं हैंडल करने का, तो अब घर की महिलाएं और बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर क्या होगा वो प्रशासन देखे, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खत्म हो चुकी है कि अब वो संभालने लायक नहीं रही। क्योंकि घर पे जब बच्चा स्कूल से जाता है ना, और प्रिंसिपल जाके उसको निकाल देता है और क्लास में खड़ा करके उसको इंसल्ट करता है कि अपनी फीस लेके आ, या बीमार आदमी जो घर में बुजुर्ग आदमी है उसको दिखाने के लिए पैसे नहीं है और डॉक्टर पैसे की मांग करता है, तो क्या करेगा? अपने घर के सदस्य को मरा हुआ देखेगा या अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर होता देखेगा? समस्या इतनी गहरी होती जा रही है कि अब मामला आर पार पे है। इसलिए मैं सरकार से ये बात करना चाहता हूँ कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए तत्काल यहाँ के डीएम को आदेश किया जाए कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे, ये जिला शामली में गन्ना सहकारी समिति पर यहाँ किसानों का पिछले 11 दिनों से धरना चला हुआ है। हमने यहाँ किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, किसानों का कहना है कि भुगतान ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं किसानों को हो रही है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।